नमस्कार, मैं जयशी नेगांधी, नेशनल चेस आर्बिटर एंड चेस कोच। आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। चेस के लिए मैंने भी बहुत वीडियोस देखे हैं, लेकिन जिन लोगों को चेस आता ही नहीं है, चेस क्या है वो मालूम ही नहीं है, अगर उसको चेस देखना है तो उसके लिए आज हम चेस सिखाएंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं ये चेस का बोर्ड है, उसमें एक डार्क और एक वाइट, एक डार्क और एक वाइट, एक डार्क, एट स्क्वेयर, एट बाई एट का ये स्क्वेयर है। टोटल इसका 64 स्क्वेयर साइड है। इसमें एट लाइन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एट कॉलम है, ए बी सी डी ई एफ जी एच। जो रो है, जो लाइन है, उसको हम चेस की इंटरनेशनल भाषा में रैंक कहते हैं, और जो कॉलम है ए बी सी डी, उसको चेस की भाषा में फाइल कहते हैं। तो यहां हर रैंक और हर कॉलम का नाम लिखते हैं। कोई भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर है तो इसको B2 कहेंगे, इसको C3 कहेंगे, इसको B4 B5 कहेंगे, इसको E7 कहेंगे। ये जो है वो हमें जब गेम लिखने का, नेक्स्ट वीडियो जो देखेंगे उसमें ये हमें काम आएगा। अभी ये चेस के अंदर फर्स्ट रो में ये पॉन रहते हैं, सिपाही बोलते हैं इसको, देशी भाषा में सिपाही कहते हैं, हिंदी में सिपाही और इंग्लिश में सोल्जर कहते हैं। लेकिन चेस दुनिया के 162 कंट्रीज में खेला जाता है, तो सभी का एकीकरण करने के लिए, सभी जगह एक ही नाम से बुलाने के लिए चेस ने इंटरनेशनल नेम फिक्स कर दिया है। तो ये है जिसको हम सिपाही कहते हैं, उसका नाम है पॉन, और इसका नोटेशन है पी, और इसका कीमत है इसकी 1। अभी नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट इज घोड़ा। जब देखने से बच्चों को पूछेंगे तो भी बच्चे बोल देंगे कि ये घोड़ा है। घोड़ा कहते हैं, अश्व कहते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नेम है। हमारा इंटरनेशनल नेम है नाइट, KNIGHT, नाइट, और इसका नोटेशन है कैपिटल N। इसकी वैल्यू है 3। इसके बाद नेक्स्ट पीस इज बिशप, इसका देसी नाम है ऊंट, ये ऊंट है, इसका इंटरनेशनल नेम है बिशप, और इसकी वैल्यू है 3। नेक्स्ट इज ये हाथी, अश्व बोलते हैं, अरे सॉरी गज बोलते हैं, एलिफेंट भी बोलते हैं, लेकिन हमारा इंटरनेशनल नेम इज रुक, ROOK, और इसकी वैल्यू है 5। अभी नेक्स्ट है क्वीन, रानी, मंत्री, वजीर, और हमारा इंटरनेशनल नेम है क्वीन, और इसकी वैल्यू है 10। इसकी वैल्यू से ही पता चल जाता है कि ये सबसे कीमती मोहरा है। और नेक्स्ट, और ये गेम का हेड वो है राजा, इसका इंटरनेशनल नेम है किंग, इसके नोटेशन है कैपिटल K, और इसका मूल्य गिना नहीं जा सकता, अमूल्य है, क्योंकि अगर राजा मर गया तो आप हार गए, बाकी की कोई वैल्यू, की कोई वैल्यू ही नहीं रहती, तो इसलिए राजा की कीमत अमूल्य है।
अभी हर एक मोड़ा नियम अनुसार चलते चेस में पहले व्हाइट की मूव रहती है, बाद में ब्लैक की मूव रहती है। दोनों खिलाड़ी स्टेप बाय स्टेप अपनी मूव करते हैं और एक दूसरे के राजा को फंसाने की कोशिश करते हैं। जिसका राजा फंस गया वो हार गया। तो अभी मैं आपको ये पॉन कैसे चलता है वो दिखाता हूं। यहां फर्स्ट रो में पॉन रहते हैं और पॉन फर्स्ट मूव में एक स्टेप चलना है तो एक और दो चलना है तो दो चल सकता है। वो आगे ही बढ़ता है, वापस चल नहीं सकते। दूसरा ये सीधा ही चलेगा और सामने वाला भी सीधा चलेगा, लेकिन सीधा मारेगा नहीं। अगर ये व्हाइट का यहां पड़ा हुआ है और ये दो चलेगा तो व्हाइट कैन कैप्चर दिस पॉन, मारेगा क्रॉस में, चलेगा सीधा और थर्ड मैटर वो वापस आ नहीं सकता। अभी नेक्स्ट में मैं घोड़े की चाल दिखाता हूं। अवर नाइट नाइट है वो एल शेप में चलता है, टू एंड हाफ। मैं ये एक्शन के साथ इसलिए बताता हूं कि बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। जैसे यहां है तो एक दो एंटाई, यहां है तो यहां से एक दो एंटाई, दो घर सीधा चलेगा और एक घर बाजू में बैठेगा। इसकी दूसरी खूबी ये है कि चेस में सिर्फ घोड़ा ही कूद के चल सकता है, अदर्स पॉन है, बिशप है, रुक है, वो किसी को अपने आप अपना या तो ओपोनेंट का जो भी पीस है उसको कूद कर चल सकता नहीं। लेकिन घोड़ा एक है जो अपने पीस को या ओपोनेंट को पीस को कूद कर चलता है और ढाई घर जहां बैठा है वहां चल सकता है, या तो यहां जो है ओपोनेंट का जो भी मोड़ा उसको मार सकता है। देन अवर नेक्स्ट इज बिशप। बिशप क्रॉस में ही चलता है तो मैं बच्चों को सिखाने के लिए ये शेप दिखाऊंगा। तो इसमें क्या है, क्रॉस में ये हर एक खिलाड़ी के पास दो बिशप रहते हैं, एक सिर्फ वाइट स्क्वायर में ही चलते हैं। जैसे यहां है तो यहां से यहां तक चल सकता है, और अगर ब्लैक है इसके पास एक तो ब्लैक स्क्वायर में चलता है, एक व्हाइट में रहेगा एक ब्लैक में रहेगा। और नेक्स्ट इज रुक। तो रुक पैरेलल भी चलता है और हॉरिजॉन्टल भी चलता है। बच्चों को सिखाने के लिए मैं ये शेप दिखाता हूं, पैरेलल एंड हॉरिजॉन्टल बोथ वे। तो मैं यह बोर्ड में आपको अगर दिखाऊं मैं तो ये हाथी यहां से यहां भी चल सकता है, यहां से आगे भी जा सकता है, यहां से ऐसे भी चल सकता है, ऐसे भी चल सकता है। इट मींस रुक कैन मूव हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल। तभी नेक्स्ट बचा है बिशप क्वीन। तो हमारा क्वीन है वो बिशप की तरह भी चलता है और रुक की तरह भी चलता है, दोनों की ओर चल सकता है। तो अगर यहां पड़ा हुआ है तो रुक की तरफ चलना है तो इसको यहां जा सकते हैं, यहां से बिशप की तरफ चलना है तो वापस आ सकता है, सीधा जा सकता है,
टेढ़ा भी जा सकता है और सीधा भी जा सकता है। चेस में इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसका रीजन ही यही है कि रुक की तरफ भी चल सकता है और बिशप की तरफ भी चल सकता है। अगर अभी लास्ट में बचा है हमारा किंग, तो किंग एक ही मूव चलता है, बीच में पड़ा है तो यहां 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 आठ जगह चल सकता है, लेकिन ओनली वन मूव चल सकता है। कहीं कहीं जगह ऐसा बोलते हैं कि राजा को चेक नहीं मिलती तक नहीं चल सकता, ऐसा है नहीं। और इंटरनेशनल रूल के अंदर राजा एक ही स्क्वेयर चलता है और कभी भी चल सकता है, बिना चेक का भी वो चल सकता है। तो ये थोड़े चेस के रूल्स, मोरे उसकी वैल्यू मैंने बताई, इससे आगे के रूल्स और थोड़े दूसरे इंटरनेशनल मूव्स हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे।